नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी को टोसान कंपनी के बारे में बताऊंगा और चर्चा करूंगा कि ये कंपनी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। टोसान कंपनी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो टोसान कंपनी के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे आदमी को मालूम नहीं होगा, बहुत सारे आदमी को मालूम होगा। तो आज मैं टोसान कंपनी के विषय में बात करूंगा कि टोसान कंपनी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। उसमें आप जाएंगे तो आप सभी को प्रॉब्लम दिक्कत होगा कि नहीं होगा, और वो कहाँ का कंपनी है और उसका जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, सैलरी टाइम पर है कि नहीं है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों चर्चा करेंगे, इसलिए कि एजेंट जो होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, वो किसी भी कंपनी में आपको भेज सकते हैं, चाहे वो सप्लाई कंपनी हो या जो कंपनी टाइम पर सैलरी ना देता हो, किसी भी कंपनी में आपको भेज दे सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कंपनी के बारे में ही बात करता हूँ, कंपनी के बारे में ही बताता हूँ। दोस्तों आज मैं टोसान कंपनी के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। चलिए बिना देर के टोसान कंपनी के बारे में आप सभी को बताता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग फ्रेशर हैं, फर्स्ट बार गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, या गए भी हैं, रिटर्नर भी हैं, आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा रियलिटी के बेस पर बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई सऊदी अरबिया में जाके ख़राब कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके फंस जा रहे हैं और उनको दिक्कत परेशानी हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अच्छा बनाता हूँ, इसलिए कि मैं कंपनी के बारे में बताता हूँ कि आप लोग अच्छा कंपनी में जाएं, अच्छे कंपनी में इंटरव्यू देके जाएं, कि आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों आज मैं जिस कंपनी के विषय में चर्चा करने वाला हूँ, टोसान कंपनी है। दोस्तों यह एक कोरिया का कंपनी है और यह कंपनी सन 1896 में स्टार्ट हुआ था। 1896 का मतलब हो गया कि दोस्तों यह बहुत ही पुराना कंपनी है और अच्छा कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। थोड़ा सा नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। 1896 आप लोग समझ सकते हैं कितना पुराना कंपनी है। तो दोस्तों यह है कोरियन कंपनी है, आप लोग को मालूम ही है कोरियन कंपनी अच्छा होता है, कोरियन कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों इसका काम बहुत सारे देशों में चलता है, बहुत सारे देशों में इसका काम अभी चल भी रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अगर इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपका भाई हाजिर है, ज़रूर इसका वैकेंसी आएगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा मैं दोस्तों। दोस्तों यह इस कंपनी में लगभग में 10,000 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं, लगभग में 10,000 से ज़्यादा, यानी 10,000 से प्लस ज़्यादा काम करते हैं। इसका हेड क्वार्टर सियोल में है, कोरिया, सियोल कोरिया। आप लोगों को मालूम, बहुत आदमी को नहीं होगा, बहुत आदमी जानते भी होंगे। दोस्तों यह एक समझ जाइए कि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर कंपनी है और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑयल एंड गैस में भी काम कराता है। दोस्तों बहुत समझ जाइए कि अच्छा ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। दोस्तों यह इसमें सब जो भी भाई जाएंगे या चले गए हैं या जाना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए कंपनी अच्छा है, ज़बरदस्त है। जो चले गए हैं वो तो अच्छा पैसा कमा ही रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी सोच रहे हैं इस कंपनी में जाने के लिए, इसका वैकेंसी इंडिया में लगभग में साल में 3 बार आता है, 3 से ज़्यादा आता है दोस्तों। दोस्तों यह एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, अगर आप लोग इस कंपनी में जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे दोस्तों। इसका जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा वडोदरा में इसका इंटरव्यू चलता है, वडोदरा में ही आता है, वहीं पर इसका जितना आदमी चाहिए वहीं पर पूरे हो जाते हैं। ये इसका वैकेंसी जैसे कि गांव में इंटरव्यू चलता है ना, गांव में, जैसे कि मान लीजिए आप लोग बिहार से हैं तो पटना इंटरव्यू चला, पटना में तो सिवान चला, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंटरव्यू चला, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले में आदमी पूरा नहीं होंगे तो गांव में जो टेस्ट सेंटर होगा विलेज लेवल पर, तो वहाँ पर इंटरव्यू चलेगा। तो ऐसा कंपनी यह नहीं है, इसका इंटरव्यू लगभग वहीं पे बड़ोदरा, मुंबई, ये सब में इसका आदमी इसको मिल जाते हैं, वहीं पे आदमी पूरा हो जाते हैं। दोस्तों ये कोरियन कंपनी के लिए कम से कम वहीं पे आदमी वेट करता रहता है कि कब कोरियन कंपनी का वैकेंसी आएगा कि मैं जाऊंगा। तो यह कोरियन कंपनी है और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, अच्छा कंपनी है, और इसमें जो सैलरी होता है बिल्कुल टाइम से मिलता है कोरियन कंपनी में। खाना भी समझ जाइए कि बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। उसके बाद दोस्तों इसमें कोई प्रेशराइज नहीं रहता है कि इतना काम आप लोग कीजिए उसके बाद जाइए, इसमें सैलरी भी अच्छा मिलता है और साथ में लीव सैलरी हो गया, बोनस हो गया, तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं रहती है कंपनी में, जो लेबर को
होना चाहिए पूरा, जो लेबर को गवर्नमेंट के तरफ से, जिस आप कंट्री में जाएंगे गवर्नमेंट के तरफ से जितना वर्कर को बोनस मिलना चाहिए, जैसा उनका रूल होगा वहाँ के गवर्नमेंट ने लगा के रखा होगा, वैसा रूल ये कंपनी सब जो कोरियन कंपनी है फॉलो करता है। इसलिए कोरियन कंपनी अभी सबसे अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए सैमसंग हो गया, हुंडई हो गया, आप बहुत सारा कंपनी है दोस्तों, बेक्टल हो गया, तो बहुत ऐसा सारा कंपनी है जो जो गवर्नमेंट का रूल को फॉलो करेगा, वहाँ के जैसे गवर्नमेंट का रूल है वैसा चलेगा तो कंपनी दोस्तों आगे बढ़ता है, साथ में आगे कंपनी तो बढ़ता है, ये लेबर को भी अच्छा सुविधा मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है और दोस्तों लेबर खुश रहता है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है डोसान कंपनी, आप लोग डोसान कंपनी में जाइए, आप सभी को कुछ दिक्कत प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। मेरा यही समझ जाइए कि मेरा गारंटी है कि इस कंपनी में किसी को अभी तक दिक्कत नहीं हुआ है और परेशानी नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस कंपनी में इंटरव्यू जब आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों।